हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप मेरा चेहरा देख ही रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी इतना चमक रहा है। ऐसा मैंने क्या किया है जिससे कि मेरी स्किन पर इतनी अच्छी ग्लो आ रही है? तो वही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेना है शुगर 1 चम्मच। मैंने घर की चीनी ली है, बारीक चीनी लेनी है आपको। अगर थोड़ी मोटी चीनी है वो भी ले सकते हैं, पर बारीक चीनी सही रहेगी। यहाँ पर मैंने लिया था 1 चम्मच कॉफ़ी और आधा चम्मच शहद लेना है आपको, और 2 चम्मच इसमें हमें डालना है पानी। ये जो मैं तैयार कर रही हूँ ये डी टैनिंग का काम करता है, स्क्रब स्किन टाइटनिंग का काम करता है और इंस्टेंट ब्राइटनेस का काम करता है। तो बस अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। इतना ज़बरदस्त फ्रेंड्स ये स्क्रब है, इससे आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लो करेगी, इंस्टेंट क्लीन हो जाएगी, इंस्टेंट टाइट हो जाएगी। देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। और देखिए इसके अंदर जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी स्किन टाइटनिंग का काम करती है, स्किन को ब्राइट करने का काम करती है, स्मूथ करती है और डल स्किन को जो है रिमूव करने में, हटाने में हेल्प करती है। और इसके अंदर जो शुगर आप देख रहे हैं वो स्किन को एक्सफ्यूलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, और जो अंदर की चमक होती है वो स्किन के बाहर आ पाती है। जब आप शुगर से स्क्रब करते हैं तो ऊपर के जो डेड सेल्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं, स्किन स्मूथ हो जाती है, अच्छे से मॉइस्चर हो जाती है। इसके अंदर देखिए शहद डाला हुआ है, जो शहद एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि बढ़ती उम्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है शहद, अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है। और आप कुछ देख ही रहे हैं, अगर आपके काले होठ हैं तो उसके ऊपर भी आप ये स्क्रब कर सकते हैं। काले होठों को गुलाबी बनाने में भी बहुत ज़बरदस्त है ये स्क्रब। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक है, हैंडमेड है, होममेड है, तो अगर ये आपकी आंखों में, मुंह में चला जाता है तो आपको ये खतरा नहीं है कि आपके मुंह के अंदर कोई केमिकल जा रहा है। तो घर के हैंडमेड होममेड चीज़ का यही फ़ायदा होता है। और अच्छे से आपको इससे 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करनी है। और आप चाहें तो जो मैंने 2 चम्मच पानी डाला है उसकी जगह आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और अगर बीच बीच में ज़्यादा चिपचिपापन लगता है तो गुलाब जल की हेल्प से आप मसाज कर सकते हैं। 10 मिनट मसाज करने के बाद आपको 10 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब ड्राई हो जाता है तो आपको थोड़ा सा गुलाब जल या पानी लेकर अपने फेस को पहले गीला करना है, उसके बाद फेस कर लेना है वॉश। और इस तरीके का इंस्टेंट जो है स्किन पर इतनी चमक आ जाएगी और पिंक इस तरीके से एक बार में लाल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, मेरे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ गया है, चमक आ गया है। देखिए चिक्स पर, नोज पर, और बहुत अच्छी जो है शाइनिंग आ गई है। देखिए नेचुरल जो रेमेडीज होती हैं उसमें एक बार में अगर इतना फर्क आ जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो होम रेमेडी में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक लग सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन जो मैंने आज आपको बताया है होम रेमेडी इंस्टेंट ब्राइटनेस के लिए, झुर्रियों के लिए जिनकी यहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं, आईज के पास यहाँ लाइंस पड़ जाती हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको ये आज बताया है होम रेमेडी। जरूर करके देखिए, अभी लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन हम घर में अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। और आप मेरा फेस देख रहे हैं बिना मेकअप के, ऐसा है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। तो इसको आप वीक में या 1 से 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो मंथ में 3 से 4 बार आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।